Santa? Ho, ho, ho! अच्छे से दबाओ बच्चा लोग, अच्छे से दबाओ। अगर तुम अच्छी सेवा करोगे तो तुम्हें अच्छा मेवा मिलेगा। तो बच्चों, क्या तुम नेक्स्ट गेम के लिए रेडी हो? हाँ। तो हमारे नेक्स्ट गेम का नाम है, मोंटो खुद कुछ ना बोल पाए बल्कि मेरे ही शक उसके मुंह से निकल जाए। बहुत परेशान किया है ना तुमने बच्चों को मोंटो, अब तुम्हारी बारी है परेशान होने की। कौन सा गेम सांता? बोलो ना। बोलो प्लीज। बोलते क्यों नहीं? तो अगले गेम का नाम है, जम के गुब्बारे मारो। ये क्या हो रहा है? पहले मेरी बोलती बंद हो गई, अब मैं वो बोल रहा हूँ जो मुझे बोलना नहीं है। इसके आपको मुझे रोहित और केवल को पानी से भरे गुब्बारे मारने हैं। जो सबसे ज्यादा गुब्बारे मारेगा वो होगा विनर। अरे सांता बॉस, मतलब मोंटा क्लॉस, अरे मतलब सांता क्लॉस, आपको ये क्रिसमस में होली खेलने का मन क्यों हो रहा है? हाँ सांता क्लॉस, प्लीज ये गेम थोड़ी चेंज करो ना, वरना हमें इतने गुब्बारे पड़ेंगे कि हम 5 साल तक होली खेलने के लायक नहीं रहेंगे। सांता क्लॉस, हमारे पास तो गुब्बारे ही नहीं है। अरे ये तो मोंटू है। हाँ बच्चों, ये मोंटू है जिसने सेंटा का भेस लेकर आप सभी को बेवकूफ बनाया। अच्छा हुआ कि मेहर, सलोनी, वानी और पुकी ने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना सोचो ये तुम लोगों का क्या हाल करता। सॉरी बालवीर जी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सॉरी, माफी मुझसे नहीं, इन सभी बच्चों से मांगो। और हाँ, तुम इन सभी बच्चों से हाथ जोड़कर एक एक करके माफी मांगोगे, समझे? चलो यू बच्चो। हाँ! नहीं, हमें से किसी को नहीं चाहिए तेरी माफी, हट। चलो पालवी जी, ये तो चले गए। अब उनसे कैसे माफी मांगनी है वो तुम सोच लो। बालवीर, 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 बालवीर जी भी चले गए, अब क्या करना है? अरे करना क्या, माफी मांगते उनसे। चलो बालवीर जी और पटके देंगे। चलो चलो। अरे दोस्तों, डिंग डोंग, आखिर हुआ क्या है? सांता क्लॉस जाग क्यों नहीं रहे हैं? मुझे भी इस बात से ताजुब हो रहा है कि इतनी बार जगाने पर भी सांता क्लॉस क्यों नहीं जाग रहे। ये मैंने आप सबको और बालवीर को यहाँ पर आने का निवेदन किया था, आप लोग तो आ गए लेकिन बालवीर क्यों नहीं आए? डिंग डोंग, अरे बालवीर, बालवीर, अरे ये सांता क्लॉस सोए क्यों है? अरे कुछ समय बाद उन्हें बच्चों को तोहफे बांटने जाना है। हाँ बालवीर, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सांता क्लॉस उठ क्यों नहीं रहे हैं। डिंग डोंग, आखिर हुआ क्या है? सांता क्लॉस ऐसे बेहोश कैसे हो गए? टिंग डोंग, रानी परी के लिए एक विशेष सूचना, इस बात की जानकारी तो आपको सिर्फ ये मानव ही दे सकता है।
क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहुँचा था तब ये मानव सांता क्लॉस को जगाने की कोशिश कर रहा था, और उस वक्त यहाँ पर सिर्फ दो लोग थे, ये मानव ये सांता क्लॉस। टिंग टोंग। मानव सांता को क्या हुआ है? मुझे पता नहीं बालवीर, सांता ने तो वो हॉट चॉकलेट दिया और पीते ही वो फौरन सो गए। हॉट चॉकलेट? रुकिए बालवीर, हम अभी देखते हैं। हॉट चॉकलेट में निद्रा रस कहाँ से आ गया? निद्रा रस? ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, जो कोई भी पीता है वो गहरी नींद सो जाता है और फिर कभी जाग नहीं पाता। रानी परी अब क्या होगा? डिंग डोंग, हमने आपसे कहा था ना कि सांता क्लॉस के खाने पीने की हर वस्तु को सबसे पहले आप चेक कर देखेंगे, लेकिन आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है ना? डिंग डोंग, रानी परी के लिए एक विशेष सूचना, मैंने सांता क्लॉस को हॉट चॉकलेट पिलाया ही नहीं। डिंग डोंग, तो फिर ये किसने पिलाया? मैंने पिलाया। मानव? मानव आपने? लेकिन मुझे मिस्टर डिंग डोंग ने कहा था कि हॉट चॉकलेट सांता क्लॉस को पिला देना। आप सांता क्लॉस को फौरन हॉट चॉकलेट पिला दो, वरना उनका मूड खराब हो गया तो आप पर गुस्सा हो जाएंगे। डिंग डोंग, मानव के लिए एक विशेष सूचना, वो कृपा करके झूठ ना बोले। मुझे आपका सुनहरा टिकट मिला ही नहीं तो मैं आपको वो वापस कैसे दे सकता हूँ? डिंग डोंग झूठे। डिंग डोंग, मानव कभी झूठ नहीं बोल सकता। मानव सात सच्चों के परिवार का सदस्य है। आप इस तरह से मानव पर इल्जाम नहीं लगा सकते। टिंग टोंग, रानी परी से मेरा भी नम्र निवेदन है कि मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सांता क्लॉस का एक वफादार सेवक हूँ, मैं उनके साथ ऐसा हर चीज नहीं कर सकता। टिंग टोंग, रानी परी मुझे तो इसमें कोई गहरा षड्यंत्र नजर आ रहा है, कोई बात तो जरूर है। हाँ माँ, आप सही कह रही है, क्योंकि मानो और डिंग डोंग तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये षड्यंत्र जरूर भयंकर परी ने रचा होगा। भयंकर परी? इस और चॉकलेट में निद्रा रस उसी ने मिलाया होगा और फिर डिंग डोंग के रूप में मानव के सामने आई होगी और मानव से कहा होगा कि ये हॉट चॉकलेट सांता को पिला देना। हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ बालवीर, अब हम क्या करेंगे, कैसे जगाएंगे सांता को? हमें फौरन कोई ना कोई उपाय सोचना होगा, वरना सांता सही समय पर बच्चों के लिए उपहार लेकर नहीं पहुंच पाएंगे। सही कहा परी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सांता को उसकी गहरी नींद से कोई नहीं उठा सकता। कोई? अब सांता नहीं उठेगा तो क्रिसमस में बच्चों को उपहार नहीं मिलेंगे, और बच्चों को उपहार नहीं मिले तो बच्चे बेचारे बहुत उदास हो जाएंगे, और बच्चे उदास हुए तो परियां भी उदास हो जाएंगी, और अगर परियां उदास हो गई तो उनकी युद्ध करने की शक्ति और भी कमजोर हो जाएगी। अब आएगा मजा, क्योंकि अब परीलोक पर होगा भयंकर का राज। ये क्या है डिंग डोंग? डिंग डोंग, बालवीर और परियों के लिए एक विशेष सूचना, ये रेत घड़ी है, यानी कि सैंट क्लॉस। इसके निकलने का ये मतलब हुआ कि क्रिसमस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और
सांता क्लॉस को गिफ्ट्स बांटने के लिए सिर्फ 1 घंटे बचे हुए हैं। डिंग डोंग। सिर्फ 1 घंटा? अब हम क्या करेंगे रानी परी? हाँ रानी परी, देखिए समय रेत की तरह सरकता ही जा रहा है, हमें जल्दी ही कोई उपाय ढूंढना होगा। बालवीर, अभी हमारे पास केवल एक ही उपाय है, स्वप्न परी। स्वप्न परी? स्वप्न परी? हाँ परी, स्वप्न परी। जब कोई गहरी नींद में सो जाता है तो उसे गहरी निद्रा से जगाने का उपाय केवल स्वप्न परी ही बता सकती है, इसीलिए फौरन फौरन हमें स्वप्न परी को यहाँ बुलाना होगा। हाँ रानी परी, स्वप्न परी को यहाँ जल्द से जल्द बुला लीजिए। हाँ बाल परी, हम अभी उन्हें यहाँ बुलाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.